कराची एक्सपो सेंटर में पेगासस के जेर एहतमाम होने वाली 10वीं पाकिस्तान ऑयल एंड गैस नुमाइश में 30 ममालिक की 250 से ज़ायद कंपनियां शरीक थी, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां शामिल थी। इस 3 रोजा नुमाइश को शुरका ने इंतहाई कामयाब करार दिया। बेहतरीन रिस्पॉन्स था, बहुत सारे कस्टमर्स थे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे, SSGC, SNGPL, GM, डायरेक्टर लेवल तक लोग यहाँ पर खुद आए हैं और स्टैंड पर आकर उन्होंने बात की है, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है। तो इंशाल्लाह हम बहुत होपफुल हैं और यू नो वी आर वेरी एक्साइटेड। एग्जीबिशन होने चाहिए, अक्सर होने चाहिए, ताकि अवेयरनेस भी पैदा हो सके पाकिस्तानियों को और बाहर वालों को भी कि उनकी प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम फील्ड में देखते हैं वो यहाँ पे हमें मौजूद थी, नए फिनोमिनास का पता चला, फिर एग्जीबिशन के साथ कॉन्फ्रेंस एक बहुत इंफॉर्मेटिव इवेंट था। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड इवेंट और कराची में इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चला हमें और इसमें काफ़ी लोगों के शेयर आइडियाज़ हुए एक दूसरे के साथ और काफ़ी अच्छी थी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग आए। पाकिस्तान वी हैव वेरी वेरी मच पोटेंशियल, एनर्जी रिसोर्सेज आर अनएक्सप्लॉयटेड ओवर हियर। अगर हम लोग उनको डिस्कवर करना चाहें तो हमारा जितना भी एनर्जी क्राइसिस है ये ख़त्म हो सकता है। बोगी नुमाइश में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक और तवानाई के मौजू पर कॉन्फ्रेंस भी हुई, जबकि फायर एंड सिक्योरिटी नुमाइश के लिए भी एक हॉल मुख्तस था। 3 रोजा नुमाइश में लोगों की बड़ी तादाद ने कराची एक्सपो सेंटर का रुख किया और इस नुमाइश और कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान में तवानाई के मसले के हल की जानिब अहम कदम भी करार दिया। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची।